अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको आलू गोभी बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो कि झटपट बन जाने वाली ये आलू गोभी की रेसिपी है। इसके अंदर वही सिंपल मसालों के साथ हमेशा मैं आपको बताती हूँ, बस आप इसका टेस्ट बनाना आपको खुद पड़ता है, मसालों से ही इसका टेस्ट नहीं आता। आप सिंपल मसाले डालें और फिर देखें कि आपके खानों में क्या जायका आता है। तो आलू गोभी बनाने के लिए मैंने ये फ्रोजन गोभी ली है, तो हमारे यहाँ पे फ्रोजन भी गोभी जो है वो बहुत अच्छे मिल जाती है। उसके लिए मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में डाल के तो इसको सॉफ्ट कर लिया है। अगर इसके थोड़े से जो बड़े बड़े पीस है वो आप इस तरह से छोटे छोटे करके तो इसको 10 मिनट्स के लिए आप माइक्रोवेव में डाल के तो इसको कुक कर लें। हाफ कुक ये तकरीबन हो चुकी है आपकी गोभी। और इसके लिए मैंने 2 आलू लिए, उसको भी मैंने इस तरह क्यूब की शक्ल में काट लिया है। ये मेरे पास जिंजर है फ्रोजन, मैंने फ्रीज करके रख लेती हूँ क्यूब्स बना के। देखें बहुत फ्रेश रहता है, इस तरह अगर आप टाइम बचाने के लिए बना के रख लेंगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। और फिर ये मेरे पास 1 टमाटर मैंने लिया है, ये भी मैंने बारीक क्यूब्स के शक्ल में काटा है। और ये 1 ओनियन है, ये भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये कोरिएंडर है जो कि मैं एंड में गार्निश के लिए डालूंगी। और 2 आप ग्रीन चिली ले लें जो इसके अंदर बाद में हम ऐड करेंगे। मसालों में वही 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून है जो टर्मिक है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो ये देखें ये लाइट लाइट जो है हमारे ओनियन ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये जिंजर का पीस डालूंगी। ये डालने के बाद साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। और साथ ही ये जो मैंने आपको बताया था मसाले में पानी डाल के आपने ये सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। बस आप इसका मसाला अच्छी तरह से बना लें। जब टमाटर वगैरह गल जाते हैं, सारा कुछ गल जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मसाला हमारा हो गया। अभी सूरत में मैं इसके अंदर ये आलू ऐड करूंगी। आलू को हमने अच्छी तरह से भून लेना है मसाले के अंदर। सही तरह इसको भून लीजिएगा ताकि ये इसका कच्चापन ना रहे। एक दो मिनट मसाले को इस तरह भूनने के बाद हम इसके अंदर साथ ही गोभी ऐड कर देंगे। अगर माइक्रोवेव में डालने के बाद अगर गोभी अपना पानी छोड़ेगी तो हमें वो पानी जो है गोभी का वो निकाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लें इसको अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे। मेरी वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की है कि प्लीज़ हमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करें। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकती, वो उसका रीज़न ये है कि मुझे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी लगता है। और मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करूँ या क्या। और अगर मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो फिर हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लेगा रेसिपी को। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप अपने अपनी जो रेसिपी है वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं सॉरी करती हूँ कि मैं आपको 2 लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस अब आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए गोभी को दम पे रख दें। जब ये गल जाएगी इसकी आंच जो है वो हल्की कर दें और बस इसको हम दम पे रखेंगे।
फिर जब ये गोभी और आलू अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो इसकी भुनाई करेंगे हम अच्छे तरीके से, फिर ग्रीन चिली और कोरिएंडर के इसे गार्निश कर देंगे। हाँ जी, तो मैंने अच्छी तरीके से इसको भून लिया है ताकि आलू भी गल गए हैं, गोभी भी तकरीबन गल गई है। तो मैं अब इसके ऊपर ये जो है ये गार्निश करूँगी। गोभी जो है वो बिल्कुल हरीसा हुई भी अच्छी नहीं लगती, आलू गोभी थोड़े थोड़े से खिले खिले रहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद बस आपने हमारे आलू गोभी जो है इसको एक दो मिनट के लिए दोबारा आप इसको दम पे लगा दीजिएगा, तो फिर आपके जो आलू गोभी है वो बिल्कुल रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको मेरी ये इजी क्विक बन जाने वाली रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।